तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखा जाए। अगर इस क्वेश्चन में तुम देखोगे तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन ए हीप ऑफ ए हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस ए। मतलब फाइन पार्टिकल स्टोर इन ए हीप ऑन ए हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेट, मतलब सर्कुलर प्लेट है उसमें कुछ पार्टिकल रखे हुए हैं। इफ द कोफिशियंट ऑफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज कोफिशियंट ऑफ बिटवीन द पार्टिकल इज के, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ कोन। अब छोटे छोटे पार्टिकल देखो, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, इनसे मुझे कोन बनाना है, ठीक है ना। ये हीप, ये छोटे छोटे पार्टिकल है और इनसे मुझे एक कोन बनाना है। तो चलो अगर मैं ये कोन बनाता हूँ, ये वाला जो कोन है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है, तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल से ऐसे मिल के बना हुआ है, तो ये जो पार्टिकल है ये जो मैक्सिमम हाइट कितना बनाया जा सकता है, अदरवाइज ये पहाड़ गिर ही जाएगा। तो ये यहाँ से तुम देखोगे, ये जो हाइट एच है यही पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट एच की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये अगर तुम देखोगे यहाँ पर, इस एच की वैल्यू हम कैसे निकालें, ठीक है ना। एच की वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है करें बच्चों, कि ये जो कोन है इसका वर्टेक्स एंगल ये अगर थीटा ले लेते हैं, और ये कोन की रेडियस कुछ आर ले लेते हैं ये वाली, तो यहाँ से जो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा वो आर बाई एच आ जाएगा। मतलब अगर मैं टेन थीटा निकाल लूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, ये जो छोटू पार्टिकल है स्मॉल मास के, जिनके पास कुछ डीएम मास होगा, इनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा पार्टिकल है वो नीचे, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो फोर्स है इस पर नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और ये वर्टिकल में इसकी एम जी नीचे लग रही होगी, ठीक है ना। और यहाँ से अगर तुम देखोगे वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ होगा जो कि एम जी डी एम जी साइन थीटा होगा, और एक कंपोनेंट नॉर्मल को बैलेंस करेगा जो कि होगा डी एम जी कॉस थीटा। तो जो पार्टिकल नीचे स्लाइड कर रहा है उस पर फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा, तभी तो बैलेंस में रहेगा यार। तो इस पे फ्रिक्शन अपवार्ड लगेगा, ये वाला फ्रिक्शन, और वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना बैलेंस कर सकता है डी एम जी साइन थीटा को, ठीक है ना, यहाँ से। और नॉर्मल जो है बैलेंस करता है डी एम जी यहाँ से कॉस थीटा को। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से म्यू एन इसको लिख सकते हो, और यहाँ से डी एम जी साइन थीटा लिख सकते हो, और यहाँ से इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट दे दो और ये सेकंड दे दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट से सेकंड में डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, वन अपान म्यू की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी टेन थीटा। वन अपान म्यू की वैल्यू, जी जी खत्म हो गया, डिवाइड टेन थीटा, और वन अपान म्यू टेन थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुके, आर अपान एच। तो यहाँ से तुम देखोगे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से सर्कुलर, यहाँ से रेडियस, रेडियस आर की जो वैल्यू है वो ए के बराबर लेना है, इतना ही बेस, ये जो पार्टिकल इतना ही बेस का हमें कोण बनाना है। तो ये आ जाएगा एच और ये आ जाएगा म्यू के प्लेस पे इन्होंने एच, तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी ए मल्टीप्लाइड बाई म्यू। तो म्यू की वैल्यू यहाँ के लिए है, तो ए के मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा अपना ए ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।